नमस्कार, मैं डिंपल शर्मा आप सभी दर्शकों का सिंधु यू चैनल में स्वागत करती हूं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि छत्तीसगढ़ की न्यूज सबसे पहले आप देख सकें। भानु प्रतापपुर। पाकिस्तान में हिंदू विरोधी घटना को लेकर के शनिवार को भानु प्रतापपुर में सिंधी समाज के लोगों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला दहन किया। विरोध में रैली निकाल करके राष्ट्रपति के नाम एसडीएम तहसीलदार को ज्ञापन सौंप करके हिंदू समाज के लोगों की सुरक्षा की मांग की। समाज के लोगों ने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदू बहु बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, गुरुद्वारे मंदिर में लगातार आक्रमण किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, इन सब बातों से मानवता कलंकित हो रही है। पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। समाज के लोगों ने सिंधी भवन से रैली निकाली, बाबा सतराम शाह चौक पहुंचकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला दहन किया, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके बाद रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां माननीय राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा। सिंधी समाज की महिलाओं ने भी आक्रोश व्यक्त किया और विरोध में रैली हुई। इस अवसर पर सिंधी समाज के अध्यक्ष महेश सचदेव, मोहन हरदवानी, दीपक कुमार भटेजा, राजकुमार पंजवानी, आनंद लखानी, नंदलाल आहूजा, राकेश रमानी, पंकज वाधवानी, ब्रिजलाल छाबड़ा, संतोष सचदेव, विजय हरदानी, विजय धामोजा, प्रदीप नवलानी, लक्ष्मण माखीजा, विशाल आहूजा, प्रदीप शर्मा, विजय पंजवानी, सुनील मंगलानी, विनय पंजाबी, दिलीप मोटवानी, राहुल रमानी, मनोज सचदेव, सुशील आहूजा, राकेश ज्ञानवाणी, रोशन शर्मा, राजेंद्र सचदेव, रवि समनानी, विजय फोटानी, सौरभ सचदेव, रेखा नवलानी, नेहा नवलानी, आशा मोटवानी, मीना पंजाबी, भावना मंगलानी, सविता वाधवानी, अनिता नागपाल आदि महिलाएं शामिल थीं।